नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं द डेली पंचायत। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते, बस मेरे लहजे में जी हजूर ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था। ये चंद लाइनें इस खबर पर एकदम फिट बैठती है, क्योंकि गोदी मीडिया जो कर रहा है वो पूरे देश के सामने है, लेकिन अब ईमानदार पत्रकारों को भी पुलिस टॉर्चर करने लगी है। सीधा सीधा उनका फोन मोबाइल सब कुछ जब्त कर ले रही है। जिन पत्रकारों ने मोदी सरकार के नाम में दम कर दिया है, यानी कि मोदी सरकार की पोल खोल रही है, सच्चाई दिखा रही है, सरकार को आईना दिखाया है, आज उन पर सरकार तानाशाही का जोर दिखा रही है, जिसका सबूत भी सामने आ चुका है। सरकार की तानाशाही इस कदर चालू है जिसका अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते। बताते हैं आपको क्या कुछ हो रहा है और किन पत्रकारों पर कार्रवाई की जा रही है। एक खबर के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी और उससे सटे एनसीआर में न्यूज क्लिक वेबसाइट के पत्रकारों के ठिकाने पर रेड डाले। ये कार्रवाई फॉरेन फंडिंग के मामले में यानी कि यूएपीए के तहत की जा रही है। स्पेशल सेल की अगर हम बात करें तो स्पेशल सेल ने मंगलवार को सुबह एक साथ दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में रेड मारी। बताया जा रहा है कि छापेमार कार्रवाई 30 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ चल रही है। इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। रेड के दौरान दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त कर लिए। इसके अलावा हार्ड डिस्क का डेटा भी लिया गया है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के एक्शन के बाद पत्रकार अभिषेक शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट की। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस उनके घर से लैपटॉप और उनका फोन ले गई है और पत्रकारों ने भी प्रतिक्रिया दी है। एक पत्रकार कंचन यादव ने ट्वीट किया और लिखा है कि न्यूज क्लिक के पत्रकार उर्मिलेश जी के घर पर छापा मारा गया। कुछ 6 लोग उनके घर पर बिना वारंट के पहुंचे। न्यूज क्लिक के और कई पत्रकारों के घर पर भी छापा मारा जा रहा है। यहां झूठ दिखाने के लिए नाम और सच दिखाने के लिए सजा मिलती है। जो इनके इशारों पर ना नाचे उसे सजा मिलती है, जो बिके नहीं उसे सजा मिलती है, जो झुके नहीं उसे सजा मिलती है, जो अपने ईमान को गिरवी ना रखे उसे सजा मिलती है। एक और पत्रकार ने ट्वीट करा और लिखा है कि पत्रकार अभिषेक शर्मा के घर पहुंची पुलिस। अभिषेक ने यह जानकारी ट्वीट करके दी है। अभिषेक का लैपटॉप और फोन ले लिया गया है। खबरों की माने तो कई और पत्रकारों के घर पुलिस पहुंची है। अभिषेक सरकार के खिलाफ अपनी बात आए दिन सोशल मीडिया पर रखते हैं, तो गिफ्ट तो मिलेगा ही। क्या सच्चाई क्या है आपके सामने आ जाएगी और अंत में जीत सच्चाई की ही होगी। ये बात इन जैसे लोगों को समझ जानी चाहिए। एक और यूजर ने लिखा है कि आखिर क्या क्या है अभिषेक शर्मा ने, यही ना कि जिस समय पत्रकारिता के नाम पर कोई आम कैसे खाते हो पूछता है, तो कोई ऊर्जा कैसे चौथ पूछकर सरकार की चरण वंदना में लगा था, तब ये आदमी महंगाई बेरोजगारी जैसे आम मुद्दों पर सवाल पूछकर सरकार को घेर रहा था। सरकार की नाक में दम करने वाले और ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता को जिंदा रखने वालों के साथ सरकार क्या कर रही है आपके सामने है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।